बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, मेरे साथ सलमान अकरम राजा साहब मौजूद हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें जल्दी से आपके सामने रख दूं। इस वक्त जो 2023 आपको पता है ख़त्म हो गए, 2024 शुरू, ये साल पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इस साल पाकिस्तानियों की किस्मत का फैसला होना है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ इस वक्त पाकिस्तान की पुलिस, नैब, FIA, इलेक्शन कमीशन और अदालतें। गुज़श्ता साल यानी कल तक जो रिकॉर्ड लगे, पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का खिलवाड़ होता रहा, नित नए रिकॉर्ड लगते रहे। तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात बन गई जिसकी टॉप लीडरशिप से लेकर वर्कर लेवल तक 85% कागजात नामजदगी मुस्तरद, 90 भी कहे जा रहे हैं। 3 जनवरी तक अपील का मरहला है, उसके बाद 10 जनवरी इसका अगला मरहला, फिर इंतखाबी निशान इस दौरान 9 तारीख को बल्ले के निशान का फैसला होना है। तजवीज़ कनंदा, तईद कनंदा दो ऐसे नाम बन गए जो बच्चे बच्चे के मुंह पर इस वक्त मौजूद हैं। मोस्ट वॉन्टेड लिस्ट में तजवीज़ कनंदा और तईद कनंदा और इलेक्शन के उम्मीदवार। मुस्तरद का लफ्ज़ 2023 की उर्दू डिक्शनरी में सबसे मकबूल लफ्ज़। ऐसे में उम्मीदवार जहां रिटर्निंग अफसर के दफ्तर तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें जिना हाउस जैसे सख्त सिक्योरिटी के इलाके में पहुंचा दिया गया। ऐसे ऐसे केसेस हैं, किसी पर पानी का बिल ना अदा करना, किसी पर जनरेटर जलाना। और लाहौर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और अवामी जमात, जमात इस्लामी, किसी और जमात के उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद ना हो, लेकिन तहरीक इंसाफ की सारे कागजात मुस्तरद कर दिए। अब ये मामला किस तरफ जाएंगे, सलमान अकरम राजा साहब से बहुत सारे सवालों के जवाब लेंगे। राय साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले सर ये बताएं कि ये जिन लोगों के अब कागजात मुस्तरद हो चुके हैं और इनका जो एपलेट ट्रिब्यूनल पैनल अपील में प्रोसेस जाएगा, क्या इन्हें अभी अपने तजवीज़ के नंदा और तईद के नंदा को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना चाहिए, इनकी कोई हिफाजत करनी चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि उनके कागजात किस वजह से मुस्तरद हुए हैं। अगर तो इस वजह से मुस्तरद हुए हैं कि तईद कुनिंदा या तजवीज़ कुनिंदा रिटर्निंग अफसर के सामने पेश नहीं हुए, तो फिर यकीनन उनको अदालत के सामने पेश कर देना चाहिए। हमारा कानून है कि अगर वो अदालत के सामने भी पेश हो जाएं तो कागजात पे इस हवाले से एतराज़ नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जाहिर है जिन लोगों ने उनको आरोप के सामने पेश नहीं होने दिया, वो कोशिश करेंगे कि वो अदालत के सामने भी पेश ना हो सकें, तो ये एक है मसला। लेकिन इसके अलावा भी हमारा कानून है कि अगर ये वाजे हो अदालत को या आरओ को कि तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा जो हैं उनके हवाले से कोई भाम नहीं है और ये शवाहिद मौजूद हों कि उनको आने से रोका गया है, तो अदालत उनकी गैर मौजूदगी में भी कागजात को कबूल कर सकती है। ठीक, इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, अभी जो 85% कागजात जो मुस्तरद हुए हैं, ज्यादातर तो तहरीक इंसाफ के, और ये भी कहा जा रहा है कि ये अपील में ये मंजूर हो जाएंगे, लेकिन जो बाकी 15% जिसमें टॉप लीडरशिप भी शामिल है, आपको क्या लगता है उन पर क्या होगा? ये देखिए, बहुत से कागजात मेरा ख्याल है अपीलों में मंजूर हो जाएंगे, लेकिन ये याद रहे कि अपीलों के लिए एक बहुत ही कलील मुद्दत मुयस्सर है। 10 जनवरी को जिस अपील का फैसला नहीं हुआ होगा वो अपील जो है लैप्स कर जाएगी। ये कहा जाता है कि उसको उस पर मजीद कार्रवाई नहीं होगी, खा उस अपील में कितना ही ठोस मवाद क्यों ना हो। इसलिए एक तरह से ये एक रेस होगी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सामने कि कितनी अपीलों का फैसला होता है, किसकी अपील का फैसला होता है, किसकी अपील का फैसला नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि बड़ी तादाद में जिन लोगों के कागजात मुस्तरद हुए हैं उनकी अपीलों का फैसला हो जाएगा और उनको इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि ये बात तो वाजे है कि बहुत ही गलत बुनियादों पर कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया गया है। लिहाजा उम्मीद रखते हैं हम कि अदालत जो है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है, उसमें इंसाफ होगा। सर इस तरह तो राय साहब ये टाइम खींच सकते हैं, 10 जनवरी तक तो इतना ज्यादा टाइम नहीं है। इसमें तो जैसे खान साहब का केस है या शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज अलाई, इनके तो केसेस थोड़े लंबे नहीं हो जाएंगे इस मामले में? आपकी तैयारी मुकम्मल है? नहीं, अब ये अदालत पे होगा ना। देखिए, अदालत जो है वहाँ सरसरी नौयत की कार्रवाई होती है, वो देखेगी बादी नजर में ये जो कागजात मुस्तरद हुए, मुस्तरद होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे। इसलिए ये उम्मीद है कि जो अपीलें जितनी जल्दी दायर होंगी उतनी जल्दी उनका फैसला भी होगा। यहाँ पे कोई शहादत गवाही नहीं की जाती, वाकियाती मामलात में अदालत नहीं जाती ज्यादा गहराई में। जो दस्तावेजात होती हैं उनकी बुनियाद पे फैसला किया जाता है। लिहाजा ये मुमकिन है कि बड़ी तादाद में अपीलों का फैसला हो, लेकिन ये भी मुमकिन है कि बहुत सी अपीलें रह जाएं जिनका फैसला ना हो सके। बिल्कुल सही। अच्छा सर, यहाँ पे इमरान खान आपको पता है 3 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस वक्त इमरान खान साहब ये कहा जा रहा है कि अगर एक हलके में भी इनके कागजात नामजदगी मंजूर हो गए इलेक्शन में आए, तो फिर हो सकता है पूरा इलेक्शन ही कैंसिल किया जाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, ऐसा हो सकता है?
उन्होंने दो हलकों से कागजात दाखिल कराए थे, तीन नहीं, और ये तो अब देखें क्या साराई है कि क्या होगा। मेरी नज़र में उनके कागजात जो हैं मंजूर होने चाहिए, और कागजात की मंजूरी उस वक्त मुमकिन होगी अगर सुप्रीम कोर्ट में जो उनकी अपील है तोशाखाना के हवाले से, उसमें जो तोशाखाना की कन्विक्शन है। अच्छा राज साहब, ये बताएं कि अभी जो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में जब 85% ये डॉक्यूमेंट्स जो पेपर ऑफ नॉमिनेशन है अगर ये एक्सेप्ट करते हैं, अभी तो एपलेट जो मेम्बरान है वो भी बन चुके हैं, तो उससे अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट में कोई रिफ्ट पैदा हो सकती है, कुछ ऐसे मसले कि अदलिया ब्यूरोक्रेसी में मसला शुरू हो जाए कि एक ने मुस्तरद किए दूसरे ने मंजूर किए? देखिए अदलिया का तो काम है इंसाफ करना कानून के मुताबिक, अदलिया का तो कोई सरोकार नहीं है कि वो रिफ्ट की परवाह करे। अगर ब्यूरोक्रेसी ने ये कागजात मुस्तरद किए हैं जो रिटर्निंग अफसरान थे, किसी वजह से मुस्तरद किए हैं, किसी दबाव में किए हैं, तो अदलिया को तो इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कानून के मुताबिक काम करना है, वो फैसला करेंगे, उसके बाद अगर कोई उनसे खाइफ होता है तो होता रहे। जजों का तो काम है कि वो कानून के मुताबिक इंसाफ करें और परवाह ना करें, विदाउट फियर और फेवर उन्होंने इंसाफ करना है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, 9 जनवरी तक जो बल्ला है तहरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान, वो केस भी पिशावर हाई कोर्ट में है अभी, उस पर बड़ा अहम मामला है कि उस केस का क्या बनेगा? आप तो इस मामले को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या होगा इस केस में? देखिए जाहिर है अहम मामला है, मेरा अपना ये ख्याल है कि बल्ला कायम रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था वो दुरुस्त था, ठीक बुनियादों पे था, और आगे भी मैं समझता हूँ एक रिव्यू की दरखास्त गालिबन इलेक्शन कमीशन ने फाइल की है, उस रिव्यू पे भी मैं नहीं समझता कि फैसला जो है वो पलट जाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो मेरी नज़र में अब बहुत मुश्किल होगा किसी भी अदालत के लिए एक सियासी जमात से उसकी शनाख्त को छीन लेना, जबकि इलेक्शन अब 30-35 दिन दूर है। तो अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए और एक सियासी जमात पीटीआई के लिए तो होगी ही, लेकिन मैं समझता हूँ असल में ये पाकिस्तान के अवाम हैं जिनसे उनका हक छीन लिया जाएगा वोट डालने का। पाकिस्तान के अवाम की एक बड़ी तादाद जो है वो नाख्वांद है, वो सिंबल के की बुनियाद पर वोट करते हैं। अगर सिंबल छिन जाता है तो एक तरह से आप उनसे उनके उनके वोट करने का जो हक है वो छीन लेती है। जी अच्छा सलमान साहब, यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये केस कोर्ट में जाता है सुप्रीम कोर्ट में लेट से, तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन ये भी पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है कि जी अब तो बैलेट पेपर पे बल्ला छप चुका है, निशान बेशक आप इन्हें ना दें तो इस सूरत में वोटर कन्फ्यूज होकर बल्ले पर मोर लगा के लाखों वोट मुस्तरद हो सकते हैं, ये भी तो मामला हो सकता है? ये तो मफरूजात हैं जी। देखिए मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा, अगर तो बल्ला बैलेट पेपर पे है तो बल्ले पे ही के निशान पे ही पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से फैसला होता है कि बल्ला नहीं देना पीटीआई को, तो फिर बैलेट पेपर पे बल्ला नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि बैलेट पेपर पे बल्ला हो लेकिन पीटीआई को दस्तयाब ना हो। दुरुस्त। अच्छा अभी एक आप साइफर केस में भी आपने बड़ी उसमें अहम पार्टिसिपेशन है, मीडिया में इस पर पाबंदी है, सोशल मीडिया पर पाबंदी है, लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से इस केस को बढ़ाया जा रहा है वो बड़ा तश्वीशनाक है। आपको क्या लगता है कि ये जो अभी स्टे ख़त्म होगा तो उसके बाद इस केस पे इलेक्शन और ये केस दोनों पैरेलल चलेंगे तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, या इस पे क्या मामला चल रहे हैं? नहीं, जाहिर है मंसूबा साजों की तो यही ख्वाहिश थी कि 10-10 गवाह रोज करा के 3 दिनों में 25 गवाह कराए उन्होंने, और वो इस मुकदमे को जनवरी के पहले हफ्ते में ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन अब जो हुक्म इम्तना हुआ है वो 11 जनवरी तक है, और उसके बाद भी मुझे कभी यकीन है कि ये मामला आगे चलेगा, ये हुक्म इम्तना 11 जनवरी को ख़त्म नहीं होगा, और जो कार्रवाई की गई है इस सूरत के साथ उस कार्रवाई को करदम करार दिया जाएगा। हमने इस्तदा ये की है कि जो इन कैमरा ट्रायल की गई है जिसमें मीडिया को बाहर कर दिया गया, आम पब्लिक को बाहर कर दिया गया, रिपोर्टिंग पे कदगन लगा दी गई, ये सब गैर आइनी और गैर कानूनी था, और इस ऑर्डर के बाद जो भी कार्रवाई हुई है साइफर की ट्रायल में उस तमाम कार्रवाई को कलदम करार दिया जाए। तो हम उम्मीद रखते हैं कि ये फैसला हमारे हक में होगा और इस तमाम कार्रवाई को कलदम करार दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर नए सिरे से कार्रवाई शुरू होती है 11 जनवरी के बाद, तो ये मुमकिन नहीं होगा कि 8 फरवरी से पहले इस मुकदमे का फैसला हो जाए। बिल्कुल सलमान साहब, यू आर वन ऑफ द टॉप लॉयर इन पाकिस्तान इन सुप्रीम कोर्ट,
लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख सकें। ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इमरान खान साहब आपके जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है और आपकी जो सियासी समझ बूझ है उसके मुताबिक खान साहब इलेक्शन में मौजूद होंगे, इलेक्शन कैंपेन करेंगे, आपको बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं, इस पे क्या मामला है ये ज़रा काइंडली बताएं। बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं इस पे। देखिए दो मामला आते हैं, एक तो ये कि क्या इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ सकेंगे, उस हवाले से तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत मुझे गालिब इम्कान नजर आता है कि वो लड़ सकेंगे। उनके रास्ते में सिर्फ तोशाखाना का जो फैसला है वो हायल है और उसके खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब किसी दिन भी लग जाएगी। जो सजा है वो पहले ही मुअत्तल है, अब हमारा ये मुतालबा है कि जो कन्विक्शन है उसको भी मुअत्तल किया जाए और कोई वजह नहीं कि ऐसा ना हो। अगर ये हो जाता है तो फिर वो इलेक्शन तो लड़ सकेंगे, लेकिन क्या वो बाहर होंगे और कैंपेन भी कर सकेंगे ये एक दूसरा सवाल है। जो इस वक्त हुकूमत का तरीका कार है वो एक के बाद दूसरा मुकदमा बनाते हैं, कोई मुकदमा ना बन सके। तो एक जो उमूमी कानून है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर का, उसके तहत बगैर मुकदमे के लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को किया गया। तो ये हथकंडे तो हुकूमत अपनाएगी और इस सब के होते हुए ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो बाहर होंगे और कैंपेन कर सकेंगे। अगरचे हमारी ख्वाहिश तो यही है, पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश भी यही है, लेकिन इस वक्त हम एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, जहाँ कानून आइन रिवायात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस सब के बावजूद ये इलेक्शन हम उम्मीद करते हैं होगा और इस इलेक्शन में हम हिस्सा भी लेंगे और जो हमारा मौकफ है आइन और कानून की सरबुलंदी के हवाले से उसको आवाम के सामने पेश करेंगे। सलमान साहब आखिरी सवाल आपके साथ जाते हुए शेख इम्तियाज साहब जो थे उनके तजवीज़ करनंदा थे या तायद करनंदा, उन्हें भी अगवा किया गया था, वो आपके साथ थे, तो उस पर आपने कोई मामला टेकअप किया, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा या कुछ ऐसा, उनकी रिहाई हुई? देखिए वो तो उस दिन का मामला था, उनको बिल्कुल अगवा किया गया, वो मेरे साथ चल रहे थे और नामालूम अफराद ने उनको अगवा किया, उनको उठाकर ले गए और उनको रिटर्निंग अफसर के सामने पेश नहीं होने दिया। हमने रिटर्निंग अफसर साहब के सामने कंप्लेंट लिखा दी थी, मैंने खुद अपने दस्तखत से उनको मुतले कर दिया था कि ये हुआ है। बाकी मामला जो उनके अगवा का है वो फैमिली खुद उसको प्रसू करेगी और उम्मीद है वो जल्द बाजियाब हो जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी ये कौन इस मामले के पीछे था उसके लिए कानूनी चाराजोई जो है वो होती रही। इस वक्त मामला सर दस्त जो है वो इलेक्शन का है, कागजात नामजदगी की मंजूरी का है, वो मामला हम देख रहे हैं, इसकी अपील भी अदालत में जाएगी। बिल्कुल सही सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, विश यू गुड लक न्यू ईयर भी और आपको जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से भी।